किस तरह आप भी बकरी पालन के साथ पेट पालन कर सकते हो, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। हेलो दोस्तों, मैं इरशाद मोहम्मद मेरे यूट्यूब चैनल अजीज गोट फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, बकरी पालन आप शहर में भी कर सकते हो और गाँव में भी कर सकते हो, लेकिन भेड़ में ऐसा नहीं है। अगर आपका फार्म शहर के अंदर है तो आप भेड़ पालन नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण ये है कि इनको चराने के लिए जंगल की ज़रूरत होती है। बकरी को तो आप स्टोर फीडिंग में भी चरा सकते हो, लेकिन भेड़ को आप स्टोर फीडिंग पे नहीं चरा सकते, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है और कॉस्टली भी पड़ता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप चाहे बकरी पालन करें चाहे भेड़ पालन करें, आपका फार्म गाँव में ही होना चाहिए। बकरी पालन और भेड़ पालन में इनकम की बात करो तो दोनों में सेम ही है। भेड़ के मुकाबले बकरी पालन थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसको स्टोर फीडिंग में भी चराना पड़ता है। भेड़ में ऐसा नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जंगल में इसी तरह चरती है और ये घास फूस खा के ही अपना पेट भरती है। ये साल के 365 दिन इसी तरह चरती है और इसको अलग से चराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बकरी 2 साल में 3 बार बच्चे देती है और भेड़ साल में 2 बार बच्चे देती है। बकरी की बात करूँ तो बकरी जहाँ 15 से 16 हज़ार में आती है, भेड़ वहीं आपको 10 से 12 हज़ार में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनसे कमाई कैसे होती है। सबसे पहले तो बकरी की बात करें, बकरी में ऐसा है कि कुर्बानी पे आप बकरे बेचते हैं तो लोग बाग 12 महीने उनकी देखभाल करते हैं, उनको चराते हैं, तब जाके वो कुर्बानी पे बिकते हैं। भेड़ में ऐसा नहीं है, भेड़ में आप 3 से 4 महीने का बच्चा आराम से बेच सकते हो और साल में कभी भी बेच सकते हो। 5-6 महीने का बच्चा होते ही वो बिक जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि मीट पर्पज़ से ही दोनों जाते हैं। बकरी पालन भी मीट पर्पज़ से जाती है और भेड़ पालन भी मीट पर्पज़ से ही जाता है, तो इनमें से कमाई दोनों की सेम ही है। जहाँ बकरी पालन में आप कुर्बानी पे अच्छा कमाई हो जाती है तो मेहनत भी ज़्यादा है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका 5-6 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा भी अच्छा बिक जाता है। बकरी के बच्चों की रेट तो ऐसा है कि कुर्बानी के लिए पालने वाले ले जाते हैं तो उनका रेट अलग होता है और कटिंग का माल के लिए रेट अलग होता है, तो बकरी में अलग अलग रेट चलता है, लेकिन भेड़ में एक ही रेट रहता है जो कि मीट पर्पज़ से जाता है। तो ये इसका 3 से 4 महीने का जो बच्चा होता है भेड़ का, लगभग 4 से 5 हज़ार तक का बिक जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अजीज गोट फार्मिंग में। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।